विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आबकारी विभाग की टीम ने सीमेंट के कट्टों के नीचे छुपाकर ले जाया जा रहा अवैध डोडा पोस्त से भरा एक ट्रक पकड़ा, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। टीम द्वारा सरणु चिमनजी गांव में नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान टीम को देखकर ड्राइवर ट्रक छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। टीम ने पीछा किया लेकिन ड्राइवर को पकड़ नहीं पाई। आबकारी टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम ने सिंदरी थाना अंतर्गत सरणु चिमनजी गांव में बीती रात नाकाबंदी की। एक ट्रक को टीम ने रुकवाने का इशारा किया लेकिन इससे पहले ही ट्रक ड्राइवर पहले ट्रक को खड़ा करके वहां से खेतों की ओर भाग गया। ड्राइवर का पीछा किया गया लेकिन ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। ट्रक की तलाशी लेने पर सीमेंट के कट्टों के बीच में अवैध डोडा पोस्ट मिला। ट्रक को जब्त कर आबकारी ऑफिस लाया गया। आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह के मुताबिक तलाशी के दौरान ट्रक में सीमेंट के कट्टों के नीचे लोहे के चद्दर से बने पार्टीशन में काले कट्टों में अवैध डोडा पोस्ट भरे हुए थे। डोडा पोस्ट से भरे काले कट्टों को ट्रक से खाली करवाकर वजन करवाया गया। इसमें 50 काले कट्टों में 1015 किलो व 560 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए है। ट्रक व अवैध डोडा पोस्ट को जब्त कर मामला दर्ज किया गया है। ट्रक मालिक का नंबरों के आधार पर पता लगाया जा रहा है। वहीं ड्राइवर की तलाश जारी है।